ये देखो मुझे कैसे खा रहा है उंगलियों में डाल करके। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज तो टाइम को ज्यादा ही हो गया है, 11 बज गया, और 11 बजे आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस सुबह से चाचू ना पता नहीं कितनी बार गेट में खड़ो के चिल्ला रहा है, दरवाजा ठटका रहा है कि खोलो खोलो खोलो, मुझे कुछ होश ही नहीं है। मम्मी जी का 2-3 बार फोन आया तब जाके मैं उठा हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, इतनी गंदी वाली नींद आई थी मुझे आज, है ना चाचू। देखो ऊँ बोल रहा है अभी। चले गई, सो नहा धो के तैयार हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। फिलहाल चलते हैं चाचू को भी, इसको नहाना है, इसको भी नहलाते हैं। चाचू नहाओगे? अब बताओ, नहाने के लिए मना करते नहीं नहाओगे क्यों? चलो नहाते, चलो चलो नहाने करते हैं। ऐसा कब से हो गया? अभी तो बेटा ठंडा भी नहीं आया, सर्दी भी नहीं आई, अभी से ऐसा कर रहा है ये। सर्दी आ जाएगी फिर पता नहीं क्या करेगा ये, नहाने करेंगे ठीक है। क्या हुआ, नहाने नहीं करनी? उठो फिर उठो, चलो नहाना नहीं है इसको, साइकिल चलानी है इसको, है जो साइकिल लेके आओ। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। लगा दी, वेरी गुड। चलिए गाइस चलते हैं नीचे, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं। 11 बज गए, देखते हैं नाश्ते में क्या मिलेगा। चाचू क्या खाना है? हम मैगी खाएगा, मैगी। चलो मैगी खाएंगे फिर, चलो 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 चलो। मैगी का नाम सुनते ही खुश। और गाइस मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी आई थी, बादल छाए हुए हैं तो गजब वाले। आओ चाचू, पीठी पीठी आ जाओ। हनी कहाँ? अरे हनी मेरा कुत्ते का बच्चा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रही? अरे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए गाइस तो मैगी बनाइए, मैगी खाते हैं। बाय बाय, आ जाओ। ये गुगुती बासुती के खालू दूध बाती। क्या हो गया? चलिए गाइस फिलहाल अभी चाचू नहा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट नहा ही लिया है। अरे यार इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, मुझे याद ही नहीं है कि खिड़की से पानी आता है, तो फटाफट से जाते हैं और खिड़कियां बंद करते। सो गाइस फिर मैं ऐसे ऊपर आ गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या होता है ना जब बारिश आ रही होती है ना, तो हमारे खिड़की से पानी आ जाता है। तो क्योंकि घर ऊपर है, दुमंजिला है, तो इसी वजह से क्या होता है, देखिए पानी आ रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे ऊपर आना पड़ा उसको खिड़की बंद करने के लिए। अच्छा हनी आई है? अच्छा फिर अंदर आजा, बाहर क्यों बैठी है? अंदर बैठ जा, उसमें तेले बोरी बिछाई मैंने, उसमें बैठ जा। नहीं बैठेगी? कहाँ बैठना है फिर? ऊपर आना है, यहाँ आना है? अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे को बोला मैंने ऊपर आने के लिए, एक बार भी कहा मैंने तेरे को ऊपर आ। है क्या होता है ये, हाथ क्यों मिला रही है? अब हाथ हाथ के मारू तेरे को, मारू। तो गाइज मैं एक्चुअली ऐसे ऊपर बैठा हुआ था आराम से, तो मैं सोच रहा कि मैं क्या करूँ। तो गाइज मेरा ना एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा चलो एटीएम कार्ड ढूंढते। तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी मेरे फॉर्मल्स में, मैंने कहा यार मेरे फॉर्मल्स कपड़े हैं टंगे हुए और बहुत टाइम से मैंने पहने भी नहीं है, और मैंने टाई भी नहीं लगाई बहुत टाइम से, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो मैंने कहा चलो आज फॉर्मल्स पहन के देखते हैं, और ऐसी मन कर गया मेरा और अच्छा फील हो रहा है। और गाइज आज सुबह मम्मी जी मुझे बोल भी रही थी कि भाई तेरे को क्या हो गया, तो इतना कैसे चेंज हो गया। तो सुबह 5 बजे उठता था और उसके बाद रेडी वेडी होकर 7-7:30 बजे घर से निकल जाता था ऑफिस के लिए, और उसके बाद शाम को आता था, तो तेरे एक टाइम फिक्स था, तो इतना चेंज हो गया, तो बिल्कुल एकदम बदल गया। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं चेंज तो हुआ है मेरे अंदर, तो चेंज क्यों आया, क्योंकि पहले एक पर्पस था कि भाई हाँ सुबह उठना है तो ऑफिस जाना है, अब पता ही है कि जो भी काम करना है घर पर रहकर करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो पर्पस था ना सुबह जल्दी उठने का, वो पर्पस खत्म हो गया, इसलिए मैं आजकल आराम से उठता हूँ। चले गए, सो ये जो फॉर्मल्स मेरे कपड़े हैं, टाई निकाल दी मैंने, तो इनको रखते हैं इनकी रेस्पेक्टेड जगह में, क्योंकि बहुत रेस्पेक्ट होती है फॉर्मल्स की, ऐसे नहीं कि आपने ऐसी पहन ली है, मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे और को नहीं पता। सो मैं बैठा था ऐसे चेंज वेंज करके, तो भैया का फोन आया कि भाई खाना खाने आ जा। चलिए चलते हैं, खाना खा करके आते हैं ऊपर, बारिश भी रुक गई है। सो गाइज आज भात दाल मूली और साथ में है गोभी की सब्जी, चलिए शुरू करते हैं। करो करो प्यार, पानी करें दे रही है, अब कर पा करने दो, चलो चलो पा करो। क्या हो गया इन दोनों को, मेरे पीछे पड़ गए, तो कहाँ जाने घूमने, दूसरी कहाँ है, दूसरी भी लाओ, एक ही लेकर क्या है, एक ही पैर क्या, चलो 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 ले दूसरी वाली भी लाओ। चलो जी चलते थोड़ा सा बाहर घुमा के आते हैं इनको, चलो जाओ
भीग जाएंगे चलेगा है, घूमना जरूरी है इनका। इसको देखो जरा, वो छाता पकड़ी इसने चाचू ने, अच्छे से पकड़ना है, गिराना मत, ठीक है, छाता ठीक से पकड़ना, फिर सीधे का सीधे बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। तू भीग नहीं रही है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतनी तेज बारिश में भी। देखो हम चलते हैं गाइस, बारिश हो रही है, हनी को तो मजे आ रहे हैं बारिश में, हम भीग जाएंगे। वैसे छींकें आ रही हैं चाचू को, जुकाम उखाम नहीं लगना चाहिए ऐसे मौसम, पता जुकाम लगता भी है, मौसम बदल रहा है ना, और जनरली होता है कि जब बारिश आती है तो ठंडा नहीं होता, आज ठंडा भी हो रहा है। हनी भी आ गई, इधर देख पूरी भीग गई तू, ये देखे, ये देखो पूरा भीग गई है। चलो हनी सूख गई, सूख गई। अरे ट्यूशन वाले बच्चे, अरे दो दो साथ लगी क्यों आ रहा। चलिए गाइस, सो मैं किचन में आ गया हूँ, हमने फिलहाल अभी सेब निकाले हुए हैं खाने के लिए फ्रिज से, इसको बंद करते हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या है फ्रिज में फिलहाल? फ्रिज में तो ये आइसक्रीम रखी हुई है खाने के लिए, कभी आप लोगों ने खाई है बचपन में आइसक्रीम पाइप वाली? इसको जमा के खाते ना ऐसे, तो यहाँ दीदी लेके आई दिल्ली से। चलिए जी इसको खाते हैं, ये देखो मुझे कैसे खा रहा है उंगलियों में डाल करके। चलिए गाइस चिप्स खाने के बाद थोड़ा सा बाहर का आऊँ मौसम देखने के लिए, फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है और सामने देखिए हमारी गाड़ी भी धुल गई आज तो बारिश में। भाई आज तो पूरा दिन बारिश ने ले लिया यार, पूरा दिन घर पे यहाँ सुबह से, सीढ़ी में फिसलन बहुत हो रही है आज। मैं ऊपर आया, मुझे ऊपर आता देख, उसको देखना कितना रो रहा। चाचू जल्दी आओ, नहीं रख दो उसको, आओ चाचू। सो गाइस होने को तो अभी 6:20 हुआ है, मौसम ऐसा हो रहा है जैसे 8 होंगे देखिए। सो गाइस फिलहाल बैठता हूँ अभी आराम से रूम पे और 29 सितंबर की तैयारी करता हूँ। मैंने अभी आपको एक बताया पिछले व्लॉग में कि 29 सितंबर आने वाला है और कुछ खास होने वाला है उस दिन, तो इंतज़ार करिए 29 सितंबर का। चलिए गाइस सो टाइम हो रहा है अभी 10:30, सो जस्ट KBC देखने के बाद मैं ऊपर आ गया हूँ, तो खाना वाना मेरा हो गया कंप्लीट। सो गाइस फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, लेकिन और साथ साथ में गाइस मैं तैयारी कर रहा हूँ 29 सितंबर की, और काफ़ी लोग शायद कंफ्यूज होंगे क्या है ऐसा 29 सितंबर को। लगातार मैं ये वाली बात अपने व्लॉग्स में बोले जा रहा हूँ कि 29 सितंबर आ रहा है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। गाइस फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करूँगा जो आज का जो व्लॉग था आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। तो फिर मिलते हैं कल आपसे बेहतरीन और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। देखिए नहीं रहा आपने कैमरे के आगे तो हाथ लगा रहा है, तभी मैं कह रही ऐसा क्यों हो रहा है? लगा ली कैमरे के आगे, दिन में जाकर।